मैनपुरी के विधानसभा किशनी थाना बेबर क्षेत्र की मतदान केंद्र तीजगंज पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता भिड़ गए। मतदान केंद्र पर जमकर पथराव हुआ। भाजपा कार्यकर्ता मनोज चौहान घायल हो गए। मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के पुत्र सुमित प्रताप सिंह पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के करहल में भाजपा समर्थकों द्वारा सपा की बूथ एजेंट पर हमला करते हुए बिस्तर फेंक दिया गया। चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की गई है। वहीं फिरोजाबाद में 42 फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार किया गया है। वोट डालने से पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। इनकी गिरफ्तारी थाना रामगढ़ उत्तर दक्षिण और रसूलपुर से हुई है। बोलेंगे भाई जाकर समाज की, तो हमने कि चलो इधर ही रोली होके अपन भाई। तो क्या 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 हुआ, क्या हुआ मैं बताऊं आप? तो बस हम लोग ऐसा लगा कि जो पीछे कर रहे हैं रोली मोड़ पे, हिरौली मोड़ से आगे निकले तो हमने प्रेम सिंह भैया बोले हम ऐसा है। मैं बताऊं आपको दिक्कत क्या है भाई साहब, बोल ही पाए दलित नेतृत्व ये पसंद ही नहीं करना चाहते पाए, तब और तब प्रकट चिल्ला चिल्ला के अगले भैया जिंदाबाद, जे जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। हमके भाई क्या हो गया, क्या हो गया? जबकि हमारी तो गाड़ी में क्या कहते हैं किसी पार्टी का वो भी नहीं लगा हुआ था। बताओ साले ज्यादा नेतागिरी करेगा। रजनीश